1965 की पाक भारत जंग में चवंडा के मकाम पर होने वाली झड़प दूसरी जंग अजीम के बाद लड़ी जाने वाली टैंकों की सबसे बड़ी जंग समझी जाती है। जानो और जानते रहो। मशरकी पाकिस्तान के शहरी आगे बढ़ बढ़कर सदर के दिफाई फंड में अतियात दे रहे थे। इस जंग में रेडियो पाकिस्तान का किरदार बिलाशुबा नाकाबिले फरामोश है। रेडियो पाकिस्तान ने जंग के आखिरी लम्हात तक पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज और कौम का हौसला बुलंद रखा। अब आप शकील अहमद से खबरें सुनिए। रेडियो का जी इतना किरदार था कि मैं कहूँ जिसने हमें जंग जिताई है। अभी तक आलम साहब लैंड भी नहीं किए थे कि उनके ये 5 जहाज़ों की फ़ीट पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पे अनाउंस हो रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का एस बल्कि पाकिस्तान का एस लैंड कर रहे हैं जिसने एक मिशन के अंदर 5 जहाज़ गिराए हैं। रेडियो ने मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्दगी से अपना फ़र्ज अदा किया और वो जो कौम के सेंटिमेंट थे न सिर्फ लोगों को सरहद की खबरों से आशना रखा बल्कि कौम के जो जज्बात थे उनको भी जोश की सतह पर कायम रखा। क्या जमीलुद्दीन अली साहब, क्या सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब और क्या रईस अमरोही साहब और नूरजहां को तो हम नहीं भूल सकते। मिल्ली नगमों ने कौम के इज्तमाई जज्बे में रूह भर दी थी। अपने मुख्तसर से तजर्बे के बावजूद पीटीवी ने भी इस जंग में अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाईं। 26 नवंबर 1964 में पीटीवी आ गया था लाहौर में और 65 की जंग में लाहौर में था। को उन्होंने तो नूरजहां वगैरह को इंगेज कर लिया था और सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम को बुला के रेडियो पाकिस्तान में बिठा लिया था कि आपने रोज़ाना कुछ लिखना है, कौमी नगमा लिखना है टू मोटिवेट द आर्मी। पीटीवी ने जो इमेज क्रिएट किया, जो लोगों का मॉरल बूस्ट किया, आई थिंक दैट वाज इट आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने डेली एक ड्रामा शुरू किया 15 मिनट्स का। जंग शुरू हुए अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। दुश्मन भारी जानी नुकसान उठाने के साथ साथ अपने लातादार जंगी टैंक्स, लड़ाका तैयारे और एक बड़े इलाके से हाथ धो चुका था। सितंबर 1965 अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल के इजलास में जंगबंदी की करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद मंजूर कर लिया गया। 23 सितंबर 1965 के दिन दोपहर 12 बजे बिल आखिर 17 दिन जारी रहने वाली ये जंग अपने अख्ताम को पहुंची। उधर सोवियत यूनियन के रहनुमा एलेक्सी कोसिजिन ने जंगबंदी के मामला तय करने के लिए सालसी किरदार अदा किया। 10 जनवरी 1966 सोवियत रियासत उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया। जंगबंदी तो हो गई लेकिन 17 दिन जारी रहने वाली ये लड़ाई पाकिस्तानी कौम के हर फर्द को हमेशा के लिए ये सबक सिखला गई कि जब भी कोई फौजी महाज पर लड़ने के लिए निकलता है तो उसके साथ साथ सहाफी का कलम, फनकार का फन और पूरी कौम का इज्तमाई जज्बा उसकी फतह को यकीनी बना देता है।